जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, GSTR 2A के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज किया गया है। दो नए टेबल्स जो हैं वो ऐड किए गए हैं। तो आप लोगों को अब GSTR 2A जो पोर्टल पर नजर आता है उसके अंदर जो ये चेंजेस किया गया है इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहिएगा सेशन के एंड तक ताकि आपको ये चेंज अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आप पहली बार आए हैं हमारे YouTube चैनल पर तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ, ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर आपको GSTR 2A जो GST पोर्टल का है वो ओपन किया गया है। इस GSTR 2A के बेसिस पे जो आप अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट चेक करते हैं उसमें क्या इंफॉर्मेशन ऐड करी गई है। यहाँ पर B2B इनवॉइसेस, क्रेडिट डेबिट नोट्स की इनवॉइसेस, अमेंडमेंट टू दीज B2B इनवॉइसेस, अमेंडमेंट टू क्रेडिट डेबिट नोट्स के बाद दो नए टेबल्स इको डॉक्यूमेंट्स एंड अमेंडमेंट्स टू इको डॉक्यूमेंट्स, ये क्या है और इसका किस तरीके से यूज करना है। आप सबसे पहले इस डॉक्यूमेंट को जब ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको वो इनवॉइसेस नजर आएंगे जो कि आपके सप्लायर ने, जी हाँ फ्रेंड्स, जो कि आपके सप्लायर ने आपको प्रोवाइड किया होगा और आपने वो सप्लाईज जो ली हैं वो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के थ्रू ली। सर ये होगा किस तरीके से, कौन सी सप्लाई इसके अंदर आएगी, तो इसके लिए आपको एक केस समझना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन सी फिगर जो है वो किस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगी और आपको किस तरीके से उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो फर्दर क्लेम करना है। तो इसके लिए मैं आपको एक केस समझाता हूं ताकि चीजें जो हैं वो अच्छे से और क्लियर हो जाएं। क्योंकि यहाँ पर जो सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 के अंदर अमेंडमेंट किया गया था उस अमेंडमेंट का इम्पैक्ट अब इस GSTR 2A के अंदर आपको नजर आ रहा है। और कोई भी इसमें ये समस्या जो आएगी वो आएगी जब आपने कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू लिया है। अब आप इस चीज को इस तरीके से समझिए, लेट सपोज एक पर्सन है रामू जो कि परचेजर है, वो रेसिपिएंट की हैसियत से सर्विसेज ले रहा है। अब ये रामू जो है ये लेट सपोज किसी रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर से, कोई सर्विसेज ले रहा है, रेस्टोरेंट की सर्विसेज ले रहा है। आप यहाँ पर रेस्टोरेंट की जगह पर होटल रख सकते हैं, आप यहाँ पर कोई भी ऐसी सर्विसेज रख सकते हैं जो सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 के अंदर स्पेसिफाई करी गई है। सर सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 के लिए स्पेसिफिक नोटिफिकेशन है जिसमें रेस्टोरेंट सर्विस हो गए, होटल सर्विस हो गए, ओला उबेर वाले हो गए, ये सारे लोग जो है इसके अंदर नोटिफाइड हैं। अब यहाँ पर होता कैसे है मैकेनिज्म थोड़ा सा समझिएगा। रामू ने रेस्टोरेंट की सर्विसेज ली है, ठीक है। अब मैं एग्जांपल लेकर के चल रहा हूं कि रामू ने जो है वो रेस्टोरेंट की सर्विसेज अवेल करी है। अब जो हमारा सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 है वो क्या कहता है कि रामू ने जो ये रेस्टोरेंट की सर्विसेज ली हैं, अब ये रेस्टोरेंट दो प्रकार से सर्विसेज दे सकता है। इसको सर्विसेज देने के लिए दो ऑप्शंस हैं। क्या ऑप्शंस हैं, या तो ये रेस्टोरेंट वाला ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है सिमिलर टू जोमैटो, एग्जांपल ले लेते हैं जोमैटो का। जोमैटो के थ्रू आपने ये रेस्टोरेंट की सर्विसेज ली हैं और आप हैं क्या रजिस्टर्ड पर्सन, आपने अपना जीएसटी नंबर है तुम आपके पास। और दूसरा कैटेगरी क्या हो सकता है, ये रेस्टोरेंट वाला और किस तरीके से आपको सर्विस दे सकता है, सेल्फ सर्विस ये प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। अगर ये सेल्फ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो ये खुद से अपनी GSTR 1 में, आपके नाम का जो इनवॉइस है वो आपके जीएसटी नंबर पे अपलोड करेगा, वो आपके GSTR 2A में नजर आएगा। जो हमने दिखाया ना B2B इनवॉइसेस, उस B2B इनवॉइसेस में तो ये जो आपके सेल्फ इनवॉइसिंग है जो रेस्टोरेंट वाले ने खुद से इनवॉइस करके आपको दे दिया, यहाँ ई कॉमर्स का कोई लेना देना नहीं, तो वो आपके 2A में चला जाएगा B2B वाले टेबल, ठीक है। ई कॉमर्स वाला कब आएगा ऑपरेशन में, ई कॉमर्स वाला जो डेटा है वो कब आएगा,
अब यहां पर आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट बात समझनी है, रामू ने रेस्टोरेंट की सर्विसेज ली और वो रेस्टोरेंट की सर्विसेज ली गई हैं थ्रू दिस ई कॉमर्स ऑपरेटर जो कि 9 सबसेक्शन 5 के अंदर नोटिफाइड। 9 सबसेक्शन 5 का प्रोविजन ये कहता है कि अगर कोई सर्विसेज की सप्लाई करी जा रही है थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर जो 9(5) में नोटिफाइड है, तो उसके लिए जो डीम्ड सप्लायर होगा वो ये रेस्टोरेंट वाला नहीं होगा। वो डीम्ड सप्लायर जो है ई कॉमर्स को ही बना दिया गया है अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ई कॉमर्स ऑपरेटर का जो टेबल है उसमें वो इनवॉइसेस नजर आएंगे जो ई कॉमर्स ऑपरेटर 9(5) वाला जोमेटो वाला जब अपनी GSTR1 भरेगा और उस GSTR1 में जो आपने इस रेस्टोरेंट के थ्रू सर्विसेज ली हैं उस इनवॉइस को जब ई कॉमर्स अपलोड करेगा, तो आपने ध्यान दिया हो अगर, तो GSTR1 के अंदर एक नया टेबल टेबल नंबर 15 ऐड किया गया है और वो जो टेबल नंबर 15 ऐड किया गया है उसके अंदर एक ऑप्शन है कि रजिस्टर्ड पर्सन टू रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई करी गई है थ्रू दिस ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो यहां पर रेस्टोरेंट वाला भी रजिस्टर्ड पर्सन है, रेसिपिएंट भी रजिस्टर्ड पर्सन है, यानी कि जो सप्लायर था मेन सप्लायर एक्चुअल सप्लायर वो भी रजिस्टर्ड, रेसिपिएंट भी रजिस्टर्ड और सर्विसेज दी जा रही है ई कॉमर्स के द्वारा। तो ई कॉमर्स वाला जब अपनी GSTR1 का टेबल 15 फाइल करेगा तो वो रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड में जब आपका जीएसटी नंबर ऐड करके उस सर्विसेज की वैल्यू ऐड करेगा, अपडेट करेगा, तो वो आपको GSTR2A के अंदर, जो आपको GSTR2A के अंदर ई को इनवॉइसेज नजर आ रहे हैं उसमें ये सारे इनवॉइसेज नजर आने लगेंगे। तो आपको ये पूरा मैकेनिज्म जो है GSTR1 के टेबल 15 से फ्लो करके आपके GSTR2A में रिफ्लेक्ट कराया जाएगा इन अ केस वेयर द सर्विसेज इज नोटिफाइड अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5। ठीक है, अब यहां पर सवाल ये आता है कि सर जो रेस्टोरेंट की सर्विसेज हैं वो हमारे GSTR2A में आ गया तो क्या हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा? मैंने ये तो कहा ही नहीं ना कि वो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, मैंने आपको क्या बोला है ये आपके GSTR2A में आएगा और GSTR2A इज योर स्टेटमेंट ऑफ इनवर्ड सप्लाईज, स्टेटमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं है GSTR2A। ये आपने इनवर्ड सप्लाई लिया है क्योंकि आपने जीएसटी नंबर दिया तो आपके इनवर्ड सप्लाई का पार्ट ये बन गया। अब आपको ये चेक करना है कि इस इनवर्ड सप्लाई के ऊपर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा या नहीं। इसके लिए आपको सेक्शन 16, सेक्शन 17, सेक्शन 18 के जो हथकंडे हैं वो अपनाने होंगे, उसको टेस्ट करना होगा कि क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिलना चाहिए या नहीं। इनवर्ड सप्लाई आपकी है वो डेटा 2A में आ गया, आईटीसी लेना है या नहीं ये आपको सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे चेक करना है ऑन द बेसिस ऑफ दीज प्रोविजंस। और ये जितने प्रोविजंस हम लोग यहाँ पर शॉर्ट में डिस्कस कर रहे हैं ये सारे के सारे प्रोविजंस आपको हमारे जीएसटी के फुल कोर्स के अंदर बहुत ही डिटेल में बताए गए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इस पर्टिकुलर फुल कोर्स का बेनिफिट नहीं लिया है तो अभी आपको इस पे दिया जा रहा है समर स्पेशल डिस्काउंट। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी हमारे जीएसटी फुल कोर्स के ऊपर समर स्पेशल डिस्काउंट जो है वो चल रहा है। अगर आप इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और समर स्पेशल डिस्काउंटेड ऑफर में अपने आप को इस फुल कोर्स 2024 में एनरोल करा सकते हैं जिसमें 180 आवर प्लस की क्लासेस आपको लाइव और रिकॉर्डेड सेशन के साथ दी जाए। और इसका अभी हमारा चल रहा है लिटिगेशन का एरिया और लिटिगेशन के लिए आप सिर्फ ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जीएसटी का लिटिगेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको 30 से 35 घंटे की क्लासेस जो हैं लिटिगेशन में असेसमेंट, डिमांड रिकवरीज, अपील्स, ऑफेंसेस, पेनल्टीज, सारा स्टेप्स जो है वो कवर किया जाएगा। तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर भी आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल करा दी गई है या जो नंबर्स आपको दिए गए हैं इन नंबर पे आप कॉल करके व्हाट्सएप करके डिस्काउंट का बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आप मंथली जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड अपडेट्स और जो लर्निंग कर्व है आपको अपना बढ़ाना है तो आप उसके लिए हमारी मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसमें भी अभी समर स्पेशल डिस्काउंट जो है वो लॉन्च कर दिया गया है, उसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं।
चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि GSTR 2A के अंदर जो ये नया टेबल इको का है उसका किस तरीके से आप यूज करेंगे और उसमें डेटा आपके पास किस सिचुएशन में नजर आएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।